अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं डॉक्टर लारिब इलाही हूँ और ये वीडियो मैंने CSS के उन बिगिनर्स के लिए बनाई है जिनका कोई आइडिया नहीं है कि CSS होता क्या है या हम स्टार्ट कहाँ से करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से चूज करें, कौन सा कम्बिनेशन बहुत बेहतर हो सकता है हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि CSS का इम्तहान होता है, ये एक मुकाबले का इम्तहान है जिसके अंदर होती तो ये भी सरकारी नौकरी है लेकिन बाकी सरकारी नौकरी से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ये स्टार्ट ही 17th ग्रेड में होती है और जब ये 17th ग्रेड से स्टार्ट होती है तो उसके बाद भी जो लोग इस तरह से एलोकेट होते हैं CSS के थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के थ्रू उनकी प्रमोशन बाकी से बहुत जरूरी होती है। खैर, इसके अंदर 12 ग्रुप्स हैं और डिफरेंट क्लास एलोकेशन होती है और पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, सबसे पहली चीज़ है आपकी एज। अगर आप 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र के दरमियान हैं तो आप ये एग्ज़ाम ले सकते हैं लेकिन ये एग्ज़ाम देने की एक लिमिट है, 3 बार से ज़्यादा ये एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, मतलब अगर वो 30 साल की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो वो 32 साल की उम्र तक 32 ईयर्स तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए वो आपको बस एक सेकेंड मिनिमम सेकेंड डिवीजन की एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है, मतलब अगर आपके पास 3rd डिवीजन की है तो आप नहीं ले सकते लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हैं। डॉक्टर्स के लिए बीइंग अ डॉक्टर आई नो हम लोगों के सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है बिकॉज जो MBBS है वो एक डबल बैचलर्स होता है और वो डबल बैचलर्स की डिग्री तब तक कम्प्लीट नहीं होती जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते। तो हमारे पास एक और तरीका होता है कि हम सेकेंड ईयर के बाद BS इंग्लिश का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो हमें BSc की डिग्री जिसके बाद हम CSS के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। खैर, CSS 1200 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 600 मार्क्स होते हैं कंपलसरी के और 600 मार्क्स होते हैं ऑप्शंस के। जो 600 नंबर कंपलसरी के हैं वो सब्जेक्ट सबके लिए सेम है और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकती लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो सब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके लिए पासिंग नंबर 40 है जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए पासिंग नंबर आर 33। अगर आप इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट फेल करते हैं तो आपने पूरा एग्जाम फेल कर दिया है। कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है इंग्लिश एसे, उसके बाद आता है प्रेसी एंड कंपोजिशन। एसे का पेपर सबसे ज़्यादा मुश्किल है और 99% लोग इसी में फेल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेसी एंड कंपोजिशन। उसके बाद हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप आता है जिसमें आता है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड जनरल साइंस। पास करने के लिए आपको कंबाइंड 120 मार्क्स चाहिए। अगर आप 120 से ऊपर स्कोर कर लेते हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो आपका पास कंसिडर होगा। उसके अलावा इस्लामियात है, इस तरह से हमारे कंपलसरीज खत्म हो जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में 7 ग्रुप्स हैं और 7 ग्रुप्स में डिफरेंट स्कोरिंग ट्रेंड है और स्कोरिंग ट्रेंड हर कुछ साल बाद बदलता है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी ऑडिटिंग वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इवन लास्ट ईयर के जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने यही रखा था लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जिसकी इसमें हिस्ट्री नहीं है वो ये नहीं रख सकता, एक डॉक्टर नहीं रख सकता, एक केमिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर ये नहीं रख सकता। तो जिनका ये बैकग्राउंड है वो लाजमी तौर पर ये सब्जेक्ट रखे। 200 नंबर का है, एक बहुत एरिया कवर हो जाता है आपका ऑप्शनल में से। फिर आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, वो भी वही लोग रख सकते हैं जिसका इसमें बैकग्राउंड है। लेकिन जो अगले 2 सब्जेक्ट हैं दैट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेजॉरिटी लोग वही ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड अकाउंटेंसी ऑडिटिंग का नहीं होता। तो अगर आप देखें, अगर आप क्रैमिंग में अच्छे हैं, आप रट्टा लगा सकते हैं तो आपने पॉलिटिकल साइंस रख ली, लेकिन अगर आपकी रट्टा लगाने की कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस रखना है। पॉलिटिकल साइंस रखने का फ़ायदा ये है कि आप क्या एक पॉलिटिकल कंसाइज डेवलप होता है, आपको दुनिया की चीज़ों का पता लगने लगता है, आपको स्टेट मशीनरी का पता लगने लगता है। मेरे लिए पर्सनली पॉलिटिकल साइंस वर्क लाइक अमेरिका। मैं लाजमी लोगों को रिकमेंड करूँगी जो न्यू है CSS के फील्ड में वो पॉलिटिकल साइंस वर्क करें लाजमी तौर पर। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप दुनिया के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स पढ़ सकते हैं और इसको आप साथ कवर कर सकते हैं यूरोपियन हिस्ट्री के या US हिस्ट्री के क्योंकि इनका काफ़ी हद तक चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं। तो अगर आप ये रखना चाहते हैं तो रखें, इसमें ज़्यादा एनालिसिस है, इसमें इतनी ज़्यादा
सब्जेक्ट जो ग्रुप आता है उसमें हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री अप्लाइड मैथ्स प्योर मैथ्स स्टैट्स एंड जियोलॉजी, ये कोई लोग रखते हैं जिनकी इसमें ऑलरेडी डिग्री होती है, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी इसमें डिग्री थी और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रख रहे थे बिकॉज उनके इतना स्कोर नहीं देता. एक एक नंबर से आपकी एलोकेशन डिफर करती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एग्जाम तो आप पास कर रहे हैं लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के ग्रुप में नहीं जाते तो आपकी सारी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी. उसके बाद आता है ग्रुप थ्री है हमारा, उस पर आता है बहुत अच्छे सब्जेक्ट से बिजनेस एड को अगर निकाल दें क्योंकि उसके लिए आपका मेजर होना जरूरी है. बाकी जो पब्लिक एड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट बहुत ही सब्जेक्ट है, कोई प्रायर नॉलेज आपको इसके लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं, अच्छा स्कोर देते हैं, तो आई रिकमेंड दैट आप रखना चाहें उनको रखें. उसके अलावा आपको प्रैक्टिकली ये फील्ड में बहुत हेल्प करेंगे. फिर आता है हमारे पास पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको हेल्प करेगा पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज में, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये लो स्कोरिंग है. दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्ट में हेल्प नहीं करेगा पाकिस्तान अफेयर्स का और ये बहुत लंबा है, लेकिन आप रखना चाहते हैं तो रखें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप रखें, इंटरेस्ट होगा तो आप डेफिनेटली स्कोर भी करेंगे. दूसरी आती है वापस इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आई डोंट रिकमेंड इट. फिर आती है ब्रिटिश हिस्ट्री, आई नेवर रिकमेंड इट, बहुत कन्फ्यूजिंग है और बहुत ड्राई है, मज़ा भी नहीं आता इसका. इस कंपैरिजन में यूएस हिस्ट्री एंड यूरोपियन हिस्ट्री दे आर अमेजिंग. मैंने यूएस हिस्ट्री रखी थी, आई स्कोर्ड वेरी वेल, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड इसका इस तरह का नहीं है, ज़्यादातर लोग इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते. इसलिए आपका इंटरेस्ट है, आप रखें, आप उसको दिल से पढ़ेंगे, स्कोर आएगा, डेफिनेटली आएगा. यूरोपियन हिस्ट्री और यूएस हिस्ट्री का काफ़ी हद तक इनसे सिलेबस ओवरलैप कर जाता है. यूरोपियन हिस्ट्री कहते हैं बहुत लंबा सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे यूरोपियन हिस्ट्री यूएस हिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा लगता है, इवन दो ये मेरा सब्जेक्ट था भी नहीं, बहुत अच्छा स्कोर देता है, लाइक 60s अबव तो दे ही देता है. फिर हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 5, उसमें आती है हमारे पास जेंडर स्टडीज, आई हाईली रिकमेंड इट. हमेशा एक ऐसे जेंडर के ऊपर आता है, तो आपने जब एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मटीरियल होता है, डेफिनेटली गो फॉर जेंडर स्टडीज. एनवायरमेंटल साइंस गुड ईजी सब्जेक्ट बट इट्स अ बिट ड्राई और स्कोर बस ओके आ जाता है इसके अंदर, और अगर क्लाइमेट से रिलेटेड ऐसे आता है तो आपके पास काफ़ी मटीरियल होगा इसमें लिखने के लिए. फिर आता है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नॉट रिकमेंडेड. बॉटनी जोलॉजी, नॉट रिकमेंडेड. इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर ओनली इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ डिग्री इन दीज सब्जेक्ट्स. फिर हमारे पास आता है जी ग्रुप नंबर 6. ग्रुप नंबर 6 में लॉ है बहुत ज़्यादा, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिसप्रूडेंस, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलोसफी. इसमें जो लॉ वाले लोग हैं वो तो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ वाले भी ना रखें. मैंने रखा था, बहुत मुश्किल था, बहुत बुरा स्कोर आता है, इसकी वजह से मेरा सारा मेरिट खराब हुआ था, तो आई डोंट रिकमेंड इट. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लो स्कोरिंग, लॉ ओके. और उसके बाद जो क्रिमिनोलॉजी है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो लाजमी रखें अगर आपका पीएससी में इंटरेस्ट है, या नहीं भी इंटरेस्ट तो वैसे भी इट्स रियली फन सब्जेक्ट, यू शुड गो फॉर इट. फिर आपकी फिलोसफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन स्कोर अच्छा देती है, अगर आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो रखें, डेफिनेटली रखें. फिर हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 7, दैट्स द लास्ट ग्रुप, और इसके अंदर है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. आई थिंक एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो लाजमी रखें. मैंने ये रखने का सोचा था पर मैंने रखा नहीं. साइकोलॉजी वेरी ड्राई, अगर आप डॉक्टर हैं और आपको लगता है कि साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगी इसमें तो नो, इट्स नॉट गोना हेल्प, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. ज्योग्राफी इज अ गुड सब्जेक्ट, ये आपको हेल्प करेगा. आपके सेकेंड जो जनरल साइंस का पेपर होता है उसके अंदर लाजमी एक दो क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा, लेकिन वैसे बड़ा मजे का सब्जेक्ट है तो गो फॉर इट, ईजी कॉन्सेप्ट. देन सोशियोलॉजी वेरी ड्राई, वेरी बोरिंग, नॉट रिकमेंडेड. एंथ्रोपोलॉजी वेरी नाइस, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं, इसमें एवरेज बच्चे भी काफ़ी स्कोर कर जाते हैं. फिर आपकी पंजाबी, आई हाईली रिकमेंडेड, अगर आपको सूफी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैंने रखा, लेकिन पंजाबी लगता है ईजी है पर बहुत मुश्किल है, इसके अंदर बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल स्टोरीज हैं जो समझ भी नहीं आती, पढ़ी भी नहीं जाती, लेकिन स्कोर आ जाता है. फिर आती है बाकी सिंधी, पश्तो, अरबिक, बलोची. अगर आप इन प्रोविंस से हैं, सिंध से हैं, KPK से है या फिर बलोचिस्तान से है, तो आप ये लाजमी रखें क्योंकि लैंग्वेज अच्छा स्कोर देती है, बाकी तो नहीं जा सकते इसका. ओके